रामपुर के थाना अजीम नगर में तैनात सिपाही फिरोज खान अपने गले से एक पेटी लटकाकर मोटरसाइकिल से जगह जगह घूमकर चंदा मांग रहा है। सिपाही को चंदा मांगते देख हर कोई हैरत में पड़ गया, लेकिन जब सिपाही फिरोज खान बताता है कि वो चंदा शहीद जवानों के परिवार वालों की मदद करने के लिए मांग रहा है, तो उसके इस पहल की हर इंसान तारीफ कर रहा है और सिपाही को अपनी इच्छानुसार चंदा देकर उसके इस हौसले को और बुलंद कर रहा है। सिपाही फिरोज खान ने बताया, उसने अपने क्षेत्र अधिकारी से पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को बलों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए 3 दिन की फरमाइश ली है। फिरोज खान को पुलिस के साथ साथ इस आम चंदा देकर मदद कर रहा है। 3 दिन तक चंदा इकट्ठा कर उसका पैसा शहीद जवानों के परिवार तक पहुंचाना ही सिपाही फिरोज खान का मकसद है। नाम आपका? फिरोज खान। आप फिरोज भाई, अभी बाइक से टहल रहा है, क्यों टहल रहा है? चंदा इकट्ठा कर रहा है, क्या है फिरोज? जो हमारे देश के पुलवामा में जवान शहीद हुए थे, तो मैं अपर पुलिस अधीक्षक सुवार से परमिशन लिया हूँ कि मैं 3 दिन की परमिशन है मेरी कि मैं उनके परिवार जनों के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करूं स्वेच्छा अनुसार, और उन्होंने मुझे परमिशन दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा, किन किन लोगों से आप चंदा ले रहे हैं? मैं पुलिस के साथ साथ जो आम जन है वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? चंदा मिलना है? हाँ। क्या मिल रहा है? अब ये चंदे का क्या करेंगे फिर? ये चंदा 3 दिन का जो भी क्लोज होगा, तो जो उनके परिवार जन है, जो हमारे देश पर शहीद हो गए हैं जवान, ये उनके परिवार जन तक यानी पहुंचे, बस ये चाहता हूँ। इसमें क्या कप्तान साहब को भी आपकी इजाजत मिली है? अपर पुलिस अधीक्षक महोदय / क्षेत्राधिकारी सुवार हैं, उन्होंने परमिशन दिया है। परमिशन दे दिया आप? जी। आपके मन में ये बात आई कैसे? और जब जवान शहीद हुए तो मैं भी एक जवान तो हूँ, मैं बस इतना है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान हूँ, मैं रामपुर जो पुलिस है उसमें सेवा कर रहा हूँ, वे भी हमारे भाई थे। जब भाई भाई से जुदा होता है तो तकलीफ तो होती है ना।